वेलकम बैक टू माइनिंग वेल चैनल। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक टॉपिक है जो कोल से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के लिए, नॉलेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है थोड़ा हटके है, वो बेसिक लेवल पे है। तो अब देखिए, सबसे पहले है व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल होता क्या, फ्यूल से स्टार्ट अभी करते हैं ना, शुरू से एकदम बेसिक से। तो फ्यूल होता क्या है जनरली, तो फ्यूल्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस एनर्जी ईदर बाय बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बाय केमिकल रिएक्शन। तो जनरली होता क्या है ना कि फ्यूल एक सब्सटेंस होता है, फ्यूल एक सब्सटेंस मान के चल सकते हो जो कि इनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कब इनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बाय बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कंबसन होगा वहाँ पे, कंबसन ही होगा जब हम कोई चीज़ को जलाएंगे तब इनर्जी प्रोड्यूस करेगा, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होगा तब वो इनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको फ्यूल बोल सकते हैं। तो फ्यूल होता क्या है, एक सब्सटेंस होता है जो इनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि पेट्रोल, डीजल हम जलाते हैं तो हमको गर्म लगता है, वो फ्यूल्स है। कोई भी चीज़ जलता है, लकड़ी उकड़ी जितना सब चीज़ है जो जलने से, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन किसी का हो रहा है उससे अगर हमको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एनर्जी हम हमको मतलब दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, तो वो फ्यूल्स माना जाएगा। सिंपल कंसेप्ट वही है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो जल रहा है या फिर अगर वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, डेट इज कॉल्ड वो फ्यूल है। अब देखिए, जनरली फ्यूल्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स में क्लासीफाइड किया जाता है फ्यूल को। द फर्स्ट वन इज सॉलिड फ्यूल, द सेकेंड वन इज लिक्विड फ्यूल एंड द थर्ड वन इज गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल जो होता है, सॉलिड सॉलिड जो होता है उसमें आपका कोल आ गया, आपका वुड आ गया, लकड़ी, पेपर, ये सब आ गया। तो ये सब सॉलिड फ्यूल है, मतलब ये सब देखिए सॉलिड फ्यूल है। फ्यूल क्यों बोल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आ गया, अब आपको समझने में आसानी होगा। फ्यूल यहाँ पे क्यों बोल रहा है सॉलिड फ्यूल, फ्यूल क्योंकि कोल है, कोल को जलाएंगे हीट देगा यहाँ पे, मतलब क्या जलाने से हमको हीट मिल रहा है, फ्यूल का डेफिनेशन को पास कर रहा है, डेट इज कॉल्ड फूड। लकड़ी जलाएंगे, लकड़ी लकड़ी को भी जलाने से हीट मिलता है, वो भी है। पेपर, पेपर भी जलाएंगे तो हीट मिलेगा, तो दैट इज सॉलिड फ्यूल। अच्छा, लिक्विड फ्यूल में देखिए पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है, एनर्जी तुरंत एकदम प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस, एनर्जी चाहिए, एनर्जी हीट में रहता है, कुछ में रहा है, हीट ही एनर्जी है लेकिन एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लिक्विड फ्यूल। जो लिक्विड में है किरासन, डीजल, ये सब लिक्विड हो गया। गैसियस जो हमारा सिलेंडर से खाना जो बनाते हैं CNG, वो गैसियस फ्यूल है। उससे भी क्या होता है, जब हम गैस में लाइटर मारते हैं तुरंत तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, डेट इज कॉल्ड फ्यूल। तो फ्यूल का मतलब क्या कि वो सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। कब एनर्जी प्रोड्यूस करता हो, जब हम उसको बाय बर्निंग जलाने पे या फिर कोई केमिकल प्रोसेस पे। बाय बर्निंग करने का मतलब क्या है, कंबसन प्रोसेस, कंबसन प्रोसेस होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, डेट इज कॉल्ड वो फ्यूल है या फिर केमिकल रिएक्शन से। अच्छा, फ्यूल अब क्लियर हुआ। अब अगला जो हमारा है व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। अच्छा, तो फॉसिल का देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि फॉसिल का मतलब जो होता है ना है कि कोई चीज़ बहुत अंदर मतलब डगअप है, कोई चीज़ बहुत मतलब साल से, मिलियन ऑफ ईयर से कोई चीज़ गाढ़ा हुआ है इनटू द अर्थ सरफेस, अर्थ के अंदर। तो वो फॉसिल का मतलब मीनिंग है एज ए वर्ड, लैटिन वर्ड है। अच्छा, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स टॉपिक पे, तो फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फाउंड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरिड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स वैसा फ्यूल्स है, फ्यूल्स तो आपको पता ही हो गया फ्यूल सब क्या होता है। अच्छा, तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब वैसा फ्यूल्स, वैसा फ्यूल्स मतलब वैसा सॉलिड फ्यूल्स, वैसा कोल, वैसा पेट्रोल, वैसा CNG, याद करिए कि जो नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है। नेचुरल प्रोसेस मैंने बता दिया, तो मैंने पहले बता चुका, फॉसिल मतलब वैसा कोई भी चीज़ बहुत सालों से इनटू द अर्थ सरफेस में है, बहुत सालों से, दैट इज कॉल्ड फॉसिल। अच्छा, द फॉसिल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स फाउंड बाय नेचुरल प्रोसेस। कहने का सिंपल अगर मैं बताऊं डिफिनेशन फॉसिल फ्यूल्स का, तो वैसा फ्यूल्स जो कि नेचुरल प्रोसेस से बनता है, वैसा फ्यूल्स जो नेचुरल प्रोसेस से बनता है। कैसे बनता है, तो सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरिड ऑर्गेनिजम्स, सड़ने गलने से ऑर्गेनिजम्स के, या फिर आप प्लांट्स बोल सकते हो, इन प्लांट्स बोल सकते हो, पौधे पौधा के सड़ने से, टिम्बर के सड़ने से जो बरिड रहता है इनटू द अर्थ सरफेस, उसके सड़ने गलने से, वो सबसे जितना भी मेरा जो मेरा होता है बनता है जो है सब्सटेंस,
उसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो ये बनता कैसे? बाय नेचुरल प्रोसेस, ये आपको याद रखना है। ये टर्म है कोल में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, टर्म रिलेटेड है कि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आया हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये बहुत बेसिक है, लेकिन तब पर भी जब कोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिप्लेनिश्ड, इसका मतलब होता है फिल अगेन, फिर से कोई चीज़ को भरना, फिर से, समझे? इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी हम इस पर ब्लैक मार्क किए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वैसा सोर्स, वैसा रिसोर्स जिसको हम फील कर सकते हैं, मतलब फिर से उसको हम पा सकते हैं बहुत जल्दी, कोई हमको उसमें मिलियन ऑफ ईयर्स उसमें हमको नहीं लगेगा, समझे? कि वैसा रिसोर्स जिसको हमको फिर से, मान लीजिए खत्म, जैसे लकड़ी है, लकड़ी हम यूज कर रहे हैं, हमको खत्म, मेरा लकड़ी खत्म हो गया घर में, हमको कहीं से लाना है, तो क्या हमको 10 साल 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, तुरंत हम कहीं से ले आएंगे? तो दैट्स द वे, यही है, मतलब कहीं से भी हमको रिन्यूएबल रिसोर्स या दो रिसोर्सेज विच कैन फील अगेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए रिन्यूएबल क्या होता है, वैसा रिसोर्स जिसको आप नहीं ला सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। कोयला खत्म हो जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनने में, पता है ना सरफेस के अंदर कितना सारा प्लांट सड़ता है, गलता है, 10 साल 20 साल 10 मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर, तब जाके मेरा कोयला बनेगा, तब जाके पेट्रोल बनेगा, तब जाके नेचुरल गैस बनेगा। तो डैट इज द बेसिक डिफरेंस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सिंपल कंसेप्ट, जो चीज़ हमको फिर तुरंत मतलब मिल जाए डैट इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो इजीली नहीं मिले, जो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनने में, डैट इज अनरिन्यूएबल। क्योंकि रिन्यूएबल क्यों रिन्यूएबल है, कोल रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, दैट्स द वे, दैट्स व्हाई वी कॉल रिन्यूएबल, यही तो अंतर है। अब हम चलते हैं कोल की तरफ, ये हो गया हमारा बेसिक, कि अगर हम कोल में डिस्कस करें व्हाट इज कोल, चाहे कोई भी उसका बेसिफिक उसका क्लैरिफिकेशन देखें या कुछ भी, तुमको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो पे। अब देखिए बेसिक थोड़ा कोल के बारे में, क्योंकि अब उधर हम लोग को दिक्कत नहीं होगा, इसलिए अभी हमने उतना डिस्कस कर लिया फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल रिन्यूएबल। अब देखिए व्हाट इज कोल, कोल क्या है, सबसे पहला पॉइंट, कोल इज ए फ्यूल, आपको पता है कौन सा फ्यूल, तो सॉलिड फ्यूल, ठीक है। दूसरा कोल क्या है, दूसरा है कोल इज नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, ये मिलियंस ऑफ ईयर लेता है बनने में, तो दैट्स वाई ये नॉन रिन्यूएबल है। दूसरा पॉइंट है इसका डिफिनेशन, तो कोल इज अ कम्बस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंटरी रॉक विथ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, ये इसका डिफिनेशन है, आपको समझना है समझिए, अगर याद करना है तो याद कर लीजिए। देखिए अब दूसरा टाइप्स ऑफ कोल, कोल कितने तरीके का होता है, तो जनरली जो कोल का टाइप्स है वो 4 टाइप्स का कोल होता है। कौन कौन सा 4 टाइप्स का कोल होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड सब बिटुमिनस, ये 4 तरीके के कोल होते हैं। अच्छा हाउ द कोल कैटेगराइज, कैसे कोल को कैटेगराइज किया जाता है, तो कोल कैटेगराइज करने का ये मतलब है कि जैसे टाइप्स ऑफ कोल आपने पढ़ा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, तो इसमें कौन सा कोल बढ़िया है, कौन सा कोल ख़राब है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम लोग रखेंगे, तो वही ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज के, किसमें कितना कार्बन परसेंट है, वोलेटाइल मैटर क्या है, मॉइस्चर क्या है, एस परसेंटेज क्या है, तो ये सब का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देते हैं कि ये कोल बढ़िया है, ये कोल ख़राब है। तो ये सब अभी वीडियो में नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पेशली इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ द कोल कैटेगराइज। तब तक के लिए अगर इस वीडियो, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन सब्सक्राइब।